हेलो फ्रेंड, वेलकम इन ओम नर्सिंग अकेडमी। मैं अनु.कांटीवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे लैब वायल्स की, जो लैब के अंदर लेबोरेटरी के अंदर जो वायल्स काम में ली जाती है, वेक्यूटेनर फ्लेबोटॉमी, उसके लिए हम जो भी वायल्स आती हैं कलर कोड के आधार पे उनकी बात करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है। BHU में भी इसका क्वेश्चन आया था और वैसे भी जो नॉर्मल एग्जाम उनमें से उसका क्वेश्चन आता रहता है। जो लैब वाला है या कोई हॉस्पिटल ड्यूटी कर रहा है तो उसको भी ये ज़रूरी है जानना कि कौन सी वायल का यूज़ कहाँ पर होता है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिए। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं फ्लेबोटॉमी। फ्लेबोटॉमी किसे कहते हैं? फ्लेबोटॉमी देखिए, पेशेंट का ब्लड सैंपल कलेक्ट करके उसको डायग्नोस्टिक और रिसर्च पर्पज़ के लिए लेबोरेटरी में भेजना, ये क्या है? फ्लेबोटॉमी। ठीक है, जो पेशेंट है उसे क्या करेंगे, ब्लड कलेक्ट करेंगे, सैंपल कलेक्ट करेंगे और उसको डायग्नोसिस और रिसर्च के लिए जो सैंपल है उसको लैब में भेजेंगे, ये क्या है? फ्लेबोटॉमी। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे टाइप ऑफ ब्लड कलेक्टिंग ट्यूब्स, जो ब्लड कलेक्टिंग ट्यूब्स है उनके बारे में। तो इसमें सबसे पहले देखिए पर्पल टॉप ट्यूब और लेवेंडर टॉप ट्यूब, जो जितनी भी ट्यूब है उनको उनके कलर कोड के आधार पे पहचानेंगे। जो उनका टॉप का कलर है ये आप डायग्राम में देख सकते हो, ये एक वायल है और इसके हम उसके जो टॉप है उससे उसकी देखने से ही पहचान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा टॉप है? पर्पल टॉप ट्यूब या लेवेंडर टॉप ट्यूब। अब इसमें देखिए, इस ट्यूब में EDTA होता है। EDTA मतलब एथाइलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड इसमें पाया जाता है, जो क्या है, एक एंटी कोगुलेंट है। ठीक है, यानी ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है। ठीक है, अब इसका यूज़ किसके लिए करते हैं? इसका यूज़ CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है, जो कंप्लीट ब्लड सेल्स है उनको काउंट करने के लिए, ESR में, और HbA1c टेस्ट। HbA1c टेस्ट के लिए जो सैंपल है वो कौन सी ट्यूब में लेते हैं? पर्पल टॉप ट्यूब में। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। ब्लड फिल और एबनॉर्मल सेल्स और मलेरिया पैरासाइट, अगर मलेरिया की जांच करवानी है, सैंपल लेना, तो उसके लिए भी पर्पल टॉप ट्यूब लेंगे। PTH पैराथायरॉइड हार्मोन के लिए, रेड सेल्स फोलेट के लिए, और मोनो स्पॉट टेस्ट फॉर EBW इनके लिए कौन सी ट्यूब काम में लेंगे? पर्पल ट्यूब। ठीक है, मैंने इसमें एक इम्पॉर्टेंट लगा के एक बात लिखी है नीचे, सैंपल लेने के बाद जो भी ट्यूब है उसको 8 बार कम से कम इन्वर्ट करें। ठीक है, 8 बार उसको ऊपर नीचे सेक करें, जिससे जिसके अंदर जो भी EDTA है वो ब्लड के अंदर मिक्स हो जाएगा। ठीक है, जिससे ये किसका काम करेगा? एंटी कोगुलेंट का। नेक्स्ट देखिए पिंक टॉप ट्यूब। पिंक ट्यूब में इसमें क्या करते हैं? आल्सो कंटेन EDTA, इसके अंदर भी EDTA पाया जाता है। ट्यूब स्पेशली यूज्ड ओनली फॉर होल ब्लड सैंपल्स, और यह ट्यूब है जो संपूर्ण ब्लड सैंपल है उसके लिए काम में ली जाती है। अब इसका जो मोस्टली यूज है वो क्रॉस मैच में, ग्रुप एंड सेव में, और डायरेक्ट कुंभ टेस्ट फॉर ऑटोइम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया, ठीक है, उसके अंदर करते हैं। जो पिंक ट्यूब है उसका यूज़ किस में करते हैं? क्रॉस मैच में, ग्रुप एंड सेव में, और कुंभ टेस्ट में, उसके लिए पिंक टॉप ट्यूब का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखिए येलो टॉप ट्यूब। येलो टॉप ट्यूब को हम सीरम सेपरेटिंग ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो येलो ट्यूब है उसको किस नाम से जानते हैं? SST सीरम सेपरेटिंग ट्यूब। अब इसमें देखिए इसमें क्या पाया जाता है? इसमें 2 तरह के एजेंट पाए जाते हैं, फर्स्ट सिलिका पार्टिकल और सेकंड सीरम सेपरेटर। जो सिलिका पार्टिकल होता है वो एक्टिवेटेड क्लॉटिंग की तरह काम करता है। ठीक है, और सीरम सेपरेटर है, इसके अंदर एक इनर पॉलीमर जेल पाई जाती है जो ब्लड सेल्स एवं प्लाज्मा को अलग करके रखती है। ठीक है, इसके अंदर क्या पाया जाता है? सिलिका पार्टिकल्स और सीरम सेपरेटर। अब देखते हैं इसका यूज़ किस में करते हैं। इसका यूज़ कई प्रकार के सीरम एनालिसिस करने में काम में लेते हैं, जैसे एंडोक्राइनोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी में इसका मोस्टली यूज़ किया जाता है। जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए भी येलो ट्यूब का यूज़ किया जाता है। सी रिएक्टिव प्रोटीन और LFT, RFT इसके लिए भी येलो ट्यूब का यूज़ किया जाता है। इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। LFT, RFT या इलेक्ट्रोलाइट्स, इसके लिए कौन सी ट्यूब काम में लेंगे? येलो ट्यूब।
और जो ट्रोपोनिन मार्कर है ट्यूमर मार्कर है, ठीक है, जो भी ट्यूमर मार्कर है उसके लिए भी कौन सी ट्यूब काम में लेंगे, येल्लो ट्यूब या येल्लो वायल। और ड्रग लेवल्स जैसे पीसीएम है, सेलिसाइलेट है, उसके लिए भी हम येल्लो ट्यूब काम में लेंगे। नेक्स्ट देखिए ब्लू टॉप ट्यूब। ब्लू टॉप ट्यूब इसके अंदर क्या पाया जाता है, सोडियम सिट्रेट, ठीक है, इसके अंदर सोडियम सिट्रेट पाया जाता है जो एक रिवर्सिबल एंटीकोगुलेंट है जो कैल्शियम के साथ बाइंड होकर ब्लड है उस क्लॉटिंग होने से रोकता है, ठीक है। इसके अंदर कौन सा एंटीकोगुलेंट पाया जाता है, सोडियम सिट्रेट। अब इसका देखिए इसका यूज़ किस में करते हैं, इसका यूज़ जो कोगुलेशन स्क्रीन है यानी क्लॉटिंग स्क्रीन है उसके लिए करते हैं। अगर किसी पेशेंट है उसका बीटी चेक करना हो यानी ब्लीडिंग टाइम, पीटी, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, APTT, और इसके साथ जो ब्लू वाइल है उसका यूज़ डी डाइमर टेस्ट के लिए करते हैं, INR जो पेशेंट वारफेरिन ले रहा है उसके लिए, तो उसके लिए भी कौन सी वाइल काम में लेंगे, ब्लू वाइल, APTT रेशियो के लिए भी ब्लू वाइल काम में लेते हैं। नेक्स्ट देखिए ग्रे टॉप ट्यूब। जो ग्रे टॉप ट्यूब है इसके अंदर भी दो तरह के एजेंट पाए जाते हैं, फर्स्ट सोडियम फ्लोराइड, सेकेंड पोटेशियम ऑक्जालेट। सोडियम फ्लोराइड यह एक एंटी ग्लाइकोलाइटिक एजेंट है जो सैंपल लेने के बाद ग्लूकोज को टूटने से रोकता है, ठीक है। एंटी ग्लाइकोलाइटिक एजेंट मतलब जो भी ग्लूकोज है वह उसको टूटने से रोकता है, ठीक है। और यह ग्लूकोज को कितने दिन तक प्रिजर्व करके रख सकता है, 5 दिन तक, इम्पोर्टेंट है। तो इसका यूज किसके लिए किया जाता है, ग्लूकोज FBS जो फास्टिंग ब्लड शुगर है उसके लिए, GTT ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के में, और लैक्टेट में। इसके लिए कौन सी वाइल काम में लेते हैं, ग्रे टॉप ट्यूब। लेकिन मैंने एक ट्यूब एक वो भी बताया था HbA1c टेस्ट, वो भी डायबिटीज में करते हैं, तो उसके लिए कौन सी वाइल काम में लेंगे, उसके लिए वाइल काम में लेंगे पर्पल या लेवेंडर टॉप ट्यूब वाइल। नेक्स्ट देखिए रेड टॉप ट्यूब वाइल। इसके अंदर किसी भी प्रकार का एडिक्टिव नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये काम कैसे करती है, ब्लड क्लॉट और सीरम सेपरेटिव बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। अब इसका यूज़ किसके लिए करते हैं, केमिस्ट्री के लिए, इम्यूनोलॉजी के लिए, सेरोलॉजी के लिए, और ब्लड बैंक या क्रॉस मैच के लिए, इसके लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। कौन सी वाइल का, रेड टॉप ट्यूब। इसके अंदर किसी तरह का एजेंट, किसी तरह का जो एंटीकोगुलेंट है वो कुछ नहीं पाया जाता। नेक्स्ट देखिए ब्लैक टॉप ट्यूब। इसका यूज़ ESR में करते हैं, ESR कौन सा मेथड, वेस्टर्न जर्न, ठीक है। उसके लिए कौन सी ट्यूब काम में लेंगे, ब्लैक टॉप ट्यूब। नेक्स्ट डार्क ग्रीन टॉप ट्यूब, ये ऊपर वाली है इसकी बात कर रहा हूँ, जिसका कलर कैसा है, डार्क ग्रीन। तो इसके अंदर कौन सा कंटेंट पाया जाता है, सोडियम हिपेरिन। सोडियम हिपेरिन है, यह भी एक एंटीकोगुलेंट की तरह काम करता है, ठीक है। तो यह कौन से केस में काम में लेंगे, अमोनिया का सिंपल, इंसुलिन, रेनिन और एल्डोस्टेरोन। इसके लिए कौन सी ट्यूब काम में लेंगे, डार्क ग्रीन टॉप ट्यूब। नेक्स्ट लाइट ग्रीन टॉप ट्यूब। लाइट ग्रीन टॉप ट्यूब ये एक प्लाज्मा सेपरेटिंग ट्यूब है, इसके अंदर कौन सा एडिक्टिव पाया जाता है, लिथियम हिपेरिन, ठीक है। और इसका यूज़ किसके अंदर करते हैं, केमिस्ट्री के लिए। और नेक्स्ट देखिए ऑरेंज टॉप ट्यूब। थ्रोम्बिन बेस्ड एक्टिवेटर पाया जाता है जो स्टेट सीरम टेस्टिंग को अलाउ करता है। नेक्स्ट देखिए वाइट टॉप ट्यूब। वाइट टॉप ट्यूब है, इसका यूज़ मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक के लिए काम में लेते हैं, जैसे PCR और DNA एम्प्लीफिकेशन। इसके लिए कौन सी ट्यूब काम में लेंगे, वाइट टॉप ट्यूब। ये थे ब्लड सैंपल वाइल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और इसकी PDF डाउनलोड करने के लिए मैंने लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और वहाँ से जाके आप जो PDF फाइल है वो डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू।